सीएम योगी का आज देहरादून दौरा है। जॉली ग्रांटा हॉस्पिटल में भर्ती अपनी मां का जानेंगे हाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का आज देहरादून दौरा, जहां पर जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में उनकी मां भर्ती है, उनका हाल जानने के लिए सीएम यहां पहुंचेंगे। देहरादून से ही दिल्ली के लिए सीएम योगी रवाना होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज देहरादून दौरे पर रहने वाले हैं। जॉली ग्रांट अस्पताल में उनकी मां भर्ती हैं, जिनसे मिलने के लिए वो पहुंचेंगे, हाल जानेंगे। देहरादून से ही वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, देहरादून से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी का आज देहरादून दौरा है। जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में भर्ती उनकी मां का हाल जानने के लिए वो यहां पहुंचेंगे। ये बता दें कि पहुंच चुके हैं जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती, तो अब पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपनी मां का हाल जानने के लिए वो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का देहरादून दौरा है। जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में भर्ती अपनी मां का हाल जानेंगे। देहरादून से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषिकेश से ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अभी क्या कुछ अपडेट आ रहा है, कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे और क्या कुछ जानकारी आपके पास? सीएम योगी आदित्यनाथ की माताजी आंख के इलाज के लिए यहां पर हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट में भर्ती हुई थी, तो वो बीते 8 तारीख को यहाँ पर भर्ती हुई थी। तब से यहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टर की जानकारी के मुताबिक वो 75-80 वर्ष इनकी आयु है, जिनका की आंख के जो इलाज चल रहा है। पूर्व में भी इनका एक दाएं आंख का ऑपरेशन हो चुका है, अब बाएं आंख का जो उपचार चल रहा है वो जॉली ग्रांट में चल रहा है। और यहाँ पर अभी जो इनकी हालत है वो स्थिर है, वो स्वस्थ है, और उनको मिलने के लिए यहाँ पर जो उनके बेटे योगी आदित्यनाथ है वो पहुंच रहे हैं। यहीं से वो अपने कुशल क्षेम पूछ कर वहां से बद्रीनाथ के लिए भी रवाना होंगी। जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि वो बद्रीनाथ भी दर्शन के लिए यहीं से होते हुए जाएंगे। अबे कितने बजे तक वो यहाँ पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल में? उनका जिस तरीके से जो प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है या जिला प्रशासन है, उन्होंने जो इनकी सूचना है वो गुप्त तरीके से रखी है, उन्होंने बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं की है। लेकिन जो जिस तरीके की जानकारी बाहर निकल कर आ रही है, तो उनका समय 1 बजे का था, कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है। इसके साथ जैसा कि अभी आपने बताया कि वो यहाँ से सीधा देहरादून के लिए पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, वो अपने माता जी का हाल चाल जानने हैं यहाँ पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और एयरपोर्ट से वो सीधा अपने हिमालयन अस्पताल अपनी माता जी का हाल जानेंगे, और उसके बाद वो बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे, जहाँ की वो बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अभी आपको बता दें कि जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि टाइमिंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे के आसपास का रखा गया था, लेकिन इस सूचना को अभी गुप्त रखा गया है, तो वो शायद थोड़ी देर में जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में पहुँच जाएंगे। हालाँकि इसके अलावा भी उनके और भी जो दौरे हैं वो रखे गए हैं।